छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। कांग्रेस में तीन उम्मीदवारों के नाम की चर्चा है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एकलव्य अहाके का नाम चर्चा में है। जिला पंचायत सदस्य चंपालाल खुर्चे के नाम की भी चर्चा है और विनय भारती ये नाम भी सामने आया है। माना यह जा रहा है कि अगले दो दिन के अंदर कांग्रेस यहां से टिकट का ऐलान कर सकती है। भाजपा की तरफ से पुराने जो कांग्रेस के विधायक हैं कमलेश शाह वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। कमलेश शाह नहीं, कांग्रेस छोड़ी, विधायक से इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन करी और इसी के चलते ये सीट खाली हुई है। अब कांग्रेस की तरफ निगाहें हैं, तीन उम्मीदवारों के नाम की चर्चा है। चंपालाल खुर्चे के नाम की भी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम का, अपने जो कैंडिडेट है उसके नाम का ऐलान कर दिया है। कमलेश शाह बीजेपी की तरफ से हैं। कांग्रेस की तरफ से जो तीन नाम चल रहे हैं, विनय भारती, चंपालाल खुर्चे, एकलव्य अहाके। और अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है, जहां बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर सियासी वार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं भूपेंद्र गुप्ता, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी दल बदल का सौदा करती है और फिर उम्मीदवार बना देती है। क्या बीजेपी ने कौन सी सूची जारी कर दी? कांग्रेस ही है, दल बदलू है। भारतीय जनता पार्टी दल बदल का अपराध करवाती है और उसके बाद उसको उम्मीदवार बना देती, तो उनके तो सौदे का हिस्सा है उम्मीदवार बनाना। हमारा उम्मीदवार सामने आएगा और पटकनी देगा, ऐसे दल बदलू धोखेबाजों को जनता सबक सिखाएगी। तो भूपेंद्र गुप्ता को भी आपने सुना और अब नामों को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिरकार अमरवाड़ा से कांग्रेस किसे अपना चेहरा बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल। इस पूरी सीट का जो समीकरण है इसे भी समझ लीजिए। अमरवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये बड़ा महत्वपूर्ण जो फैक्टर है, तीसरे नंबर पर यह पार्टी रही है। दो विधानसभा चुनाव ऐसे भी रहे जब दूसरे नंबर पर यह पार्टी रही और बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। इससे पहले आपको 2023 की भाजपा की जो सूची है उसका ध्यान करना चाहिए। भाजपा की जो तीसरी सूची आई थी उसमें सिर्फ एक नाम था, वो नाम था मोनिका शाह बट्टी। मोनिका शाह बट्टी हैं कौन? मोनिका शाह बट्टी मनमोहन बट्टी, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हैं, संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, उनकी बेटी हैं। पर वो भी कामयाब नहीं हो पाई। जीते वहां से कमलेश शाह कांग्रेस के टिकट पर। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे। वासु, अमरवाड़ा को लेकर वार पलटवार ये तमाम चीजें तो चली रही हैं, पर कांग्रेस की तरफ से होगा कौन, ये सबसे बड़ा एक सवाल बना हुआ है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस के लिए अमरवाड़ा सीट पर एक जिताऊ उम्मीदवार तलाश करना इस समय एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिली थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो 2023 में उम्मीदवार रहे थे उनको कांग्रेस ने अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल उन्होंने आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो ऐसे में कांग्रेस अब किसी नए चेहरे की तलाश में है, क्योंकि जब 2013 से लेकर 23 के चुनाव तक कमलेश शाह लगातार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव वहां से जीतते हुए आए हैं और अब वो जो बीजेपी में चले गए हैं, बीजेपी ने उनको अपना कैंडिडेट भी बना दिया है, घोषित कर दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस एक नए चेहरे की वहां पर तलाश में है और नकुल नाथ ने यह जरूर कहा था लोकसभा चुनाव में जब हार का उनको सामना करना पड़ा था कि उनका अगला लक्ष्य अमरवाड़ा का जो उपचुनाव है वो होगा। तो वहां पे क्या कमलनाथ की ओर से उनके कोई करीबी या कोई पसंदीदा नेता को टिकट दिया जाएगा, या फिर कांग्रेस में जो हर बार बातें सामने आती हैं कि जो सर्वे में नाम सामने आएगा उसको टिकट दिया जाएगा, अभी बेहद जो पशुपेश की स्थिति है वो वहां पर बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने वहां पर दो पूर्व विधायकों को जिम्मेदारी दी है प्रभारी बनाकर, सुनील जायसवाल का नाम उसमें शामिल है और सुखदेव पांसे का नाम शामिल है। ये दोनों ही नेता वहां पर कई बार दौरे कर चुके हैं, वहां के जो लोकल लीडरशिप है उनसे मुलाकात कर चुके हैं और दो तीन नाम जो है वो सामने आए हैं, जिनमें से वहां यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनका नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वासु हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे अमरवाड़ा को लेकर क्या कुछ होता है, ये अब कुछ समय बाद कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया जाएगा। इधर मंडला में गौमांस की तस्करी पर बड़ा एक्शन लिया गया है। भैंसवाही में बूचड़ खाने पर पुलिस ने दबिश दी है। गौमांस की तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश
करने का दावा किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में गौवंश और मांस बरामद हुआ है। 12 FIR दर्ज हुई है, पुलिस की जांच जारी है। 11 घरों पर बुलडोजर चला है। भैंसवाही में बूचड़खाने का ये पूरा मामला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 11 घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बड़ी मात्रा में गौमांस गौवंश भी बरामद हुआ, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आई हैं। मंडला का पूरा मामला है। इधर इंदौर में साइबर फ्रॉड केस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 19 खातों में जमा किए गए हैं साइबर फ्रॉड के 168 करोड़ रुपए। बैंक खातों में विदेश से भी करोड़ों रुपए आए हैं। ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग के पैसे आए हैं। आरोपी डिलीवरी बॉय के खातों की जांच जब की जा रही है तो ये परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। कई बैंक मैनेजरों की भूमिका संदिग्ध है। एक बैंक मैनेजर इसमें ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है और कई और बैंक मैनेजर की भूमिका संदिग्ध है।